हे प्रभु, हे ईश्वर, हमेशा गर्दी रखना। मक्खी चूस मारवाड़ी सेठ से लोन लिया है और ये बाकड़ा लगाया, अगर धंधा नहीं हुआ तो खाखरा भी नहीं खा पाऊंगा और आपसे नाराज होके मुंह फुला के बैठ जाऊंगा, वो भी यहाँ नहीं आपकी दान पेटी के बाहर। मारी वार्निंग छे, ठीक है, नारियल ले लो, मलाई ने पानी वाला। जय हो, नारियल तो ताजा है ना। हाँ हाँ। आज मैं 3 नारियल फोड़ूंगा क्योंकि आज मेरी मन्नत पूरी हुई है। अरे हंस के रहा है, नारियल दे। हाँ हाँ। मैं ही ले लेता हूँ। बिना पैसे दिए मेरे नारियल फोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? पैसा निकाल। अरे भगवान के काम में कोई पैसा लगता है क्या? लेकिन मैं तो पैसा देकर लाया हूँ ना। हाँ तो पैसे क्यों दिया, लोन ले लेता। जॉक मारेगा ना तो नारियल फोड़ दूंगा, इधर उधर नहीं, मार देते। आया बड़ा भक्त कहीं का। क्या आंखें? उसके भक्त को नाराज किया तो स्वामी भी नाराज हुआ, पैसे मांगेगा तो पाप लगेगा। आ तो गंडो छे, फ्री में नारियल ये फोड़ के गया और पाप मुझे लगेगा? लगता है आज धंधे में बोनी नहीं होनी। जय हो स्वामी की। स्वामी की जय हो। शकल से पवित्र लग रहे हो, 5 मिनट पहले आना चाहिए था ना। नारियल कैसे दिया? एकदम सस्ता, 25 नु 1। 4 रुपए दूंगा। इतने कम में बेचूंगा तो आपकी तरह मुझे भी टकला करवाना पड़ेगा ना। ठीक है, 20 दे दो। 5 दूंगा। अच्छा 15 दे दो। 6 दूंगा। 10 में मफत डिलीवरी, महंगा है। 6 ही दूंगा। अबे टकलू, भाव इतने धीरे धीरे बढ़ा रहा है जैसे तेरे सर के बाल हो। अपने बदन पे इतना चंदन चिपका के घूम रहा है जैसे चंदन के साबुन की फैक्ट्री खोली हो। चंदन के पैसे नहीं दिए क्या? ठीक है, ना तुम्हारा और ना ही मेरा। वाह सुन, वाह, 6 रुपए। अब तेरी साथ पूछते टकली पैदा हो। क्यों रे टकलू, बाल के साथ दिमाग भी गायब हो गया क्या? फोड़ दूंगा। नारियल को बम की तरह पकड़ा है। ए नीचे रख। रुक, नारियल कहाँ लेके जा रहा है? इस नारियल पर मेरा नाम लिखा है। कहाँ लिखा है? दुनिया के सब गांडा भाई मेरी दुकान में आ रहे हैं। फोड़ दूंगा खोपड़ी के साथ नारियल। मैं शक्ल से उल्लू दिखता हूँ क्या? अब दिखाता हूँ उल्लू क्या कर सकता है। ये तुझे गाड़ दूंगा। ये क्या यार, ये नीचे वाले आदमी को चीखना चाहिए पर ये ऊपर वाला क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि आजकल पूरा सिस्टम उल्टा है। क्या नीचे से चुबा रहा है, दर्द हो रहा है। मम्मी मरी गया, चल आज तुझे माफ किया। हाय, बड़ी मुश्किल से मोटे को गिराया था लेकिन दर्द मुझे हुआ। ये था दर्द का राज, इस छुरी से छेद कर रहा था। अच्छा हुआ तेरे पास बड़ी तलवार नहीं है क्योंकि इससे तूने इतने छेद किए कि मैं सांस कहाँ से लूँ। और खैर जाने दे, छेद छेद पे लिखा है छेद करने वाले का नाम। क्या यार, यही अपनी दोस्ती, यही अपना प्यार, मेरे 2 तेरे 4, ये तो है इमोशनल अत्याचार। आप तो जा यार, जाने जा, जा भाई। अगर आज के बाद नारियल बेचता नजर आया तो ट्यूब की तरह पंचर कर दूंगा। पंचर? अब तो ट्यूब ही बदलवानी पड़ेगी। जाना यार, जा पूजा कर, जाना यार, जाना। ए माँ, बवासीर हो जाएगा, साह पाइल्स क्लिनिक जाऊ पड़ से। डॉक्टर, तुमने खबर छे, मैं दिन रात इस घर की पहरेदारी करता हूँ। रात को छत पे मैम साहब डराती है और दिन में साहब डराते हैं मुझको। मुझे तो लगता है मैं यहाँ से सीधा स्वर्ग पहुँच जाऊंगा। अब मैं यहाँ से अपना माल लेके रफू चक्कर होना चाहता हूँ। ये मेरा रिक्वेस्ट लेटर है। पोस्ट वुमन आ गई। किसको लेटर भेज रहा है? दोसी माँ, मेरे जैसा चिंदी चोर एक महल जैसे घर में आ गया है। आप जैसी रसोई रानी के दर्शन कर लिए है। अबे बच्चू छू, इसलिए मैं भगवान को इतना बड़ा थैंक यू बोल रहा था। वाह 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 वाह, तुम्हारा दिल तो एकदम खरे डायमंड जैसा है। फिर ये चोरी जैसा गंदा काम क्यों करता है? सोने की चमक देख के अंधा हो जाता हूँ। कुछ नहीं, आपको जानना है मैं चोर कैसे बना? आप बोलो, मैं बोल कर बताऊँ या एक्शन करके दिखाऊँ? कैसेट का जमाना चला गया, एक्शन कर गांडे। हाँ, मैंने भी यही सोचा। आप कितनी इंटेलिजेंट है। 1 मिनट हो। व्हाई आर यू क्लोजिंग दरवाजा? डरिए मत, कोई मेरी कहानी चुरा के उसकी फिल्म ना बना दे इसलिए। ओके ओके ओके, कम कम कम, कमिंग कमिंग। आजा आजा ईमानदार, आइया सीट, अपनी स्टोरी सुनाओ। आ गया, 1 सेकंड। स्टोरी ज्यादा इमोशनल है। माता जी, एक स्लम डॉग फक्कड़ फैमिली में मैं पैदा हुआ। माय गॉड, माँ और 10 भाई बहन, कमाने वाला मैं अकेला, सिंगल अर्निंग मैन। और मेरी माता 24/7 बीमार रहती, भाई बहन निकम्मे ऊपर से अनपढ़।
माँ ने कहा इनकम का सोर्स बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाओ। पहले मैं घर घर जाके दूध बेचता था, फिर दारू बेचने लगा, लेकिन सोडा जितना पैसा नहीं कमा पाता था। एक बार एक घर में चोरी करते समय आप जैसी एक अच्छी नेक दिल सेठानी मिली, उसके बेटे ने अपने यहाँ नौकर रख दिया। क्या बात है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। क्या कहा, कोल्ड यानी जुकाम हो गया? इतना भी नहीं जानता, मतलब दोनों कहानियाँ कितनी मिलती जुलती है ना। दो कहानी जुड़वी बहन है। उसके एक बेटे की नाक पर गुस्सा और मैडम की नाक पर सोने की नथ, सर से पांव सोने से लदी, ज्वेलरी शोरूम की मॉडल जैसी। वो माता गुस्से में डायन जैसी लगती। आर यू इनडायरेक्टली कॉलिंग मी अ डायन? होगी आपकी दुश्मन, आप तो देवी हैं। कहां वो कहां, ऐसी लेडी जिसमें दया ना हो किसी डायन से कम नहीं होती। नाउ कंटिन्यू। हाँ, एक दिन थोड़ा सा लेट पहुंचा, कुछ 10-12 घंटे, अपनी साइज से ज्यादा गालियां देने लगी। मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं सीधा घर गया और घर जाकर मैंने दरवाजे बंद कर दिए, फिर चाकू ढूंढने लगा। मैं डेमो करके दिखाता हूँ आपको, हाँ, हल्ला मत यहीं रहना। फिर मैंने ऐसे चाकू उठाया, उस पर भी एक सेब लगा हुआ था। बिना खून खराबे के क्राइम शो देखने का क्या मजा हो। फिर सेब को निकाला और स्टाइल से फेंका, फिर गर्दन पे रख दिया। अगर मैं होती ना तो बुढ़िया की गर्दन काट डालती, उससे तिजोरी की चाबी मांगी। बिल्कुल करेक्ट किया हो। क्या मोटी बुद्धि की औरत, तुझसे चाबी मांग रहा हूँ। मुझे फील हो रहा है वो ओल्ड वुमन मैं ही हूँ। अरे कहाँ फंस गया मैं, बात को समझ, तुझसे चाबी मांग रहा हूँ। कैरेक्टर में घुस गया हो। एक शब्द बोला तो आर पार करके परमानेंटली सुला दूंगा। इतना भी नहीं पता चाबी तकिए के नीचे छुपाते। आजकल सेठ लोग चाबियां छुपाने के लिए क्रिएटिव आइडिया ढूंढते हैं। जाके उस चाबी को निकालो और अलमारी खोलो, जो भी हीरे मोती जवाहरात कैश है सब बाहर निकालो। उसके बाद ईमानदार भद्रेस 1008 बार तो बोलो। खजाना मिलेगा ना मुझको? क्या जोक मारा, खजाना मिलेगा नहीं, जो है वो भी चला जाएगा। जो कहता हूँ जल्दी करो, डेमो खत्म, चाकू रख दे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इस चाकू को पकड़ो, मजबूरी है, एक हाथ से लॉकर नहीं खोल सकता ना। कोई खिलौना नहीं है, खेलने मत लग जाना। नहीं खेलूं, मंत्र तेरे पप्पा पढ़ेंगे क्या? हाँ बोलती रहो। ईमानदार भद्रेस, ईमानदार भद्रेस, ये चाबी है ना? ठीक सही पकड़े, आज हाथ मौका लगा है। ईमानदार भद्रेस, ईमानदार भद्रेस, ईमानदार भद्रेस, जेवर कैश गोल्ड सब गया, मेरी फेवरेट साड़ी। अबे पिक्चर समझायू, उस दिन मैं चोरी करके जा रहा था तो उसका बेटा ऐसे ही स्टाइल में खड़ा था, लेकिन उसका बेटा ऐसा सुपर हीरो नहीं था ना, फिर मैंने उसको धक्का मारा और ये कहानी खत्म होती है। नमस्ते, आओ जो मम्मी बताओ ने, ये एक नाटक था। अबे तू 35,000 की साड़ी अंदर रख। मम्मी ने कहा कि मैं ऐसे चड्डी वाला सक्सेसफुल चोर कैसे बना, तो मैंने कहा कि मैं बोल के बताऊं कि करके, तो उन्होंने बोला करके दिखा रहा ना, आजकल टीवी का जमाना है, तो टीवी पे दिखाया। शिवा, इसने मेरे थ्रोट पे चाकू रखा। ये तो मात्र एक संयोग है, वो पिक्चर में बोलते ना। मेरे को डरा रहा था, सांभा ना मम्मी, मेरे को मैंने बद्दू खबर छे। यस सर। पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। तेरा लाइव डेमो मैं इस मोबाइल पर देख रहा था। सीसीटीवी दिखाओ मैं कैसा लगता हूँ। हे मम्मी, हे पापा, हे मरी गयो, हे बचाओ। ऐसी हरकत अगर फिर से की ना तो गले से नीचे बुलेट उतारूंगा। तुम तो बहुत क्रिएटिव छो। मम्मी, एक केस के लिए मुझे कुछ दिन बाहर जाना होगा। इस कूनी को यहाँ छोड़ के। डोंट वरी मॉम, चाबियां इसी के हाथ में दे दो, किसी और ने भी चोरी की तो भी इसी को ठोकूंगा। अब तो ठीक है ना, अपना ख्याल रखना। वापस आने तक मेरी बीवी और माँ की सेफ्टी तेरी जिम्मेदारी है, उन्हें कुछ हुआ तो। मैं किधर फंस गया यार। रंगीले, आज पूरे 10 दिन के बाद तू यहाँ आया है। वो क्या है कि समंदर के पानी में मैं काला हो जाता हूँ ना, इसलिए कोई और नौकरी ढूंढ रहा था। मिली कोई नौकरी? हाँ मिली थी, लेकिन लात मार दी उसे। क्यों? मुझे मेहनत का काम करने को बोल रहे थे, अगर मैं मेहनत करूंगा तो लोग क्या करेंगे। वैसे पानी से अगर तेरा इतना लोचा है तो तू नहाता कैसे? अरे और पीता क्या है और धोता कैसे? वो मीठा पानी है, ये खारा पानी है, मिले सुर मेरा तुम्हारा मत करिए। हाँ समझ गया, यानी तू फालतू यहाँ वहाँ भटकता रहता है। यहाँ वहाँ भटकता हूँ ऐसा मत बोल, दुनिया घूम रहा हूँ ऐसा बोलना। ये कौन आई? उंगली क्यों कर रहा है यार? ये जाल पकड़। जाल छोड़, जाल बिछाने की सोच।
लगता है जैसे पानी से बाहर जलपरी आ गई। जलपरी की पूंछ होती है, पैर नहीं होते। अच्छा ऐसा क्या? ये क्या, मेकअप का पूरा सामान है? जरूर ये कोई हीरोइन है। हाँ सही कह रहा है। मैंने सही बोला, इसका नाम क्या है? तमन्ना। मैं तमन्ना को रोज 12 के बाद सपने में देखता हूँ। ये रियल है। अच्छा रियल है क्या? इसका तो मैं रिमिक्स करूंगा। अरे यार मैं इसे छूंगा तो ये मैली हो जाएगी। फुसफुस मार रही है। अरे वाह, इतनी बदबुओं के बीच ये फुसफुस वाली खुशबू मेरे नाक में पकड़ा पकड़ी खेल रही है। पकड़ ले वरना नाक भाग जाएगी। मेरी नाक है छछुंदर थोड़ी है जो भाग जाएगी। नाक के चक्कर में कहीं तू हमारे कोली समाज की नाक ना कटा बैठे, सैंडल पड़ते ही नाक टूट जाएगी। आहा, मुझे देखकर हंसी मतलब फंसी। ओ तेरी, ए सुरा, ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। हमारी नहीं, तेरी तरफ आ रही है, ध्यान से देख। मेरी तरफ क्यों आ रही है? वो क्या है रंगीला, कुछ गोरी लड़कियों को सिर्फ काले कलूटे बैंगन लूटे ही बहुत पसंद आते हैं। मेरा कलर बैंगन से भी काला है। मेरी निकल पड़ी। ए सुरा, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन, अगर ये लड़की आकर मुझे आई लव यू बोली ना तो दिल पर मत लेना, मुंह से कुछ मत बोलना, और दोस्ती की कसम देवदास मत बनना। गंदा, इससे कौन लड़की शादी करेगी? आ रही है, आ जा। आई, ये क्या, गाड़ी सीधी आ रही थी, लेफ्ट में क्यों चली गई? मैं राइट नहीं लगा क्या? हमारी जोड़ी अच्छी बन सकती थी, मैं भी टॉल डार्क हैंडसम हूँ। ओ स्विमिंग पूल देवता, ओ जल देवता, आई एम कमिंग। सुरा, वो मुझे खुशी देने के बजाय खुदकुशी करने जा रही है। प्यार भी तो खुदकुशी है। अरे यार डायलॉग बोलना छोड़, जाकर उसको बचा यार, वो मेरी होने वाली पत्नी है, मेरे 10-12 बच्चों के बारे में सोच। फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है मेरे तो पास। मैं भी बोल रहा हूँ, तेरे पास टाइम नहीं है, उसके पास भी टाइम नहीं, जाकर उसको बचा। जा, तुझे 5 रुपए वाली आइसक्रीम खिलाऊंगा, जा 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 जा, जा छुए बगैर बचाना। ए लड़की क्या कर रही है, रुक जा, मुझे छोड़ दो, मैं माइकल के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ओ प्यार की मारी दुनिया पे भारी। ये बचाने गया या डुबकी लगाने? अच्छा हुआ बच गई। उठो। हेलो, ए लड़की, क्या है? उठा लिया, मेरी लाइफ सेट है। अरे कहाँ फंसा दिया? मम्मी मरी क्यों? तू क्या लंगर में खाना खाने बैठा है? अरे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ। ये कौन बोला? मैं बोला। एम्बुलेंस की जरूरत लड़कों को, लड़कियों को सिर्फ फर्स्ट एड की जरूरत होती ना यारो। फर्स्ट एड मतलब? वो कैसे देते? सुनो जी, पानी में घुसने की वजह से इनके अंदर पानी भर गया ना, इसलिए आप इनके ऊपर दुबुक के बैठ जाओ और दबा के पानी निकालो जी। ओए, इतना दबाने से तो पेट बॉडी से बाहर निकल जाएगा, उसके बाद बता। दबाने के बाद पानी बाहर, उसके बाद मुंह से मुंह लगा के हवा भरना जी। जी मुझे तो बहुत शर्म आती है। शर्म औरत का गहना मर्दों का नहीं। चलो दबाओ जी, दबाओ। पक्का दबाओ ना? आप पक्का दबाओ जी। ठीक है, आप इतना बोल रहे हो तो दबा देता हूँ। ये तो दबा रहा है। ए, एक एक मिनट, रुकावट के लिए खेदे। क्या है बे? दिल से निकली गूंज कर आवाज, दोस्त है तो मेरा मदद कर दे मेरी आज। वाहताज वाहताज, समझ गया ना? ठीक है, तू पेट के राइट हिस्से पर दबा, मैं लेफ्ट हिस्से पर दबाता हूँ। ठीक है, थैंक यू। क्या कर रहे थे तुम दोनों? हम तो तुम्हारे पेट से समुंदर का खारा पानी निकाल रहे थे। पानी निकाल रहे थे? ये पेट है कि कुआं? कुआं नहीं, टंकी है। लेट जाओ जी, फर्स्ट एड का दबाना बाकी है। अभी तेरा दबा दूंगा। आइए, तेरे सामने तो ये होश में आ गई है ना, अब फर्स्ट एड का अचार डालूं? बदमाश कहीं का। ए, मुझे मरने क्यों नहीं दिया? तेरी बात सुन के मैंने इसे बचाया और अब ये मेरी इज्जत का कचरा कर रही है। ए मिस्टर, मुझसे बात करो। सब तेरी वजह से हो रहा है। और तुम सुनो, कुछ और कहा ना तो मैं तुम्हें उठा के फिर से पानी में फेंक दूंगा। हटो हटो, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? कोई मेला है क्या? ये विलन कौन है? इसका नाम है पता नहीं,
पूर्णिमा तूने ऐसा क्यों किया बेटा? तेरा माइकल लौट आया है। मेरा माइकल लौट आया? ओ तो ये है माइकल, साला हैंडसम है, मान गए ऐसे लड़के के लिए तो खुदकुशी करना बनता है। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? तो पता है मैं कितनी परेशान थी? हाँ बाप और कुत्ते की शक्ल एक जैसी है। ए लड़की के बापू, अगर लड़की को कुत्ते अच्छे लगते हैं तो अच्छा कुत्ता ढूंढकर शादी करवा दो ना। चुप कर। सर, सर, वैसे ये माइकल कौन है? उसके हाथ में जो कुत्ता है ना, वो है माइकल। और ये जो लड़का खड़ा है वो तो उसका कजन है टॉमी। देख लिया ना सरा, यहाँ पे कुत्ता बन गया इंसान और इंसान बन गया कुत्ता, क्या फैमिली है? गलत फैमिली है। ठीक है, मैं भी कर जाऊँ। थैंक्स, मैं माइकल के लिए अपनी जान देने वाली थी, तुमने मुझे बचा के मेरे माइकल से मिलाया, चलती हूँ। हेलो हेलो, बाकी सब तो समझे, लेकिन खुदकुशी करने से पहले तुमने मेकअप क्यों किया, ये बात मेरी खोपड़ी की झोपड़ी में नहीं गुजरी। मेरे मरने की खबर ब्रेकिंग न्यूज बनती और फिर प्रेस वाले आते और फिर मेरी फोटोज फेसबुक पर जाती। मेकअप नहीं होता तो मुझे लाइक्स नहीं मिलते ना, इसीलिए मेकअप किया। बाय, सी यू। हाथ आया पर मुंह ना लगा। मेरी खेत तो एंट्री हो गई है, जितना ट्रेन का भाड़ा यहाँ तक आने का नहीं लगा उससे ज्यादा रिक्शा का लग चुका है। यही है क्या? यही है वो शाना का सर। शाना नहीं, भूमि जी बोल। मुंह संभाल के बात कर, अगर कोई उसकी बेइज्जती करेगा तो मैं उसकी मूंछ नोच लूंगा। ब्लैडी रास्ट। ये घर नहीं मंदिर है, स्वर्ग लोक जैसा नहीं, स्वर्ग से भी सुंदर है। जय हो। बापू लगता है तुम्हारा कोई बिछड़ा हुआ दोस्त आया है। प्रभु आपके दर्शन हो गए, मैं इंडियन जेम्स बॉन्ड बनना चाहता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल जेम्स बॉन्ड तो आप हैं। अबे कुत्ते को दूर रख। नहीं मैं हूँ, मुझे बता देना कि मैं तुझसे भी वफादार हूँ। चलो मिलकर इन्हें इंटरनेशनल लैंग्वेज में समझाते हैं। अरे शोर कैसा, कौन ऐसे कुत्ते की तरह भौंक रहा है? मेरी इतनी तारीफ। तेरे को बुलाना खड़ा हो गया। अपुन का असिस्टेंट बनने के लिए तू आया है? ठीक समझा आपने बॉस, मैं आपके लिए घोड़ा कुत्ता बैल सब कुछ बनके दिखाऊंगा ताकि आपको किसी असिस्टेंट की जरूरत ना पड़े। आई विल बी इंडियन बॉर्न और सबके हक्के बक्के और छक्के छुड़ा दूंगा। अब खड़ा क्या है, भगा इसे। भगा वरना मैं भगा रहा हूं। ये साला उल्लू का पट्टा अपने गले की घंटी बन जाएगा। चल 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 निकल। अरे बॉस इनके सामने तो मेरी इज्जत मत उतारो। चलो बाहर चलते, शायद बॉस आपने मेरे टैलेंट को नहीं पहचाना। मैंने इस कुत्ते कोई खास ट्रेनिंग दी है, पूरे 3 साल में मैंने इसे बॉल पकड़ना सिखाया है, ऐसा बॉल कोई नहीं पकड़ सकता। ये देखिए ना मूना हाजिर है। ले कुत्ते पकड़। वाओ वाओ वाओ, एंड ही हैज कॉट द बॉल, वेरी गुड शाबाश। देखा बॉस, ऐसा बॉल लाने की ट्रेनिंग कोई भी कुत्ते को, कोई भी माइकल हल कुत्ता नहीं दे सकता। बॉल लाने की ट्रेनिंग में तूने 3 साल गवा दिए, इससे तो अच्छा तो खुद कुत्ता बन जाता। अरे ये तलवार का क्यों निकाल? इससे पहले मैं जहाँ काम करता था उसकी मुझसे भी बड़ी थी, उसी ने इसी तलवार से काट के उसे छोटी कर दी। मेरे पहले बॉस बिल लाने में मुझे पकड़ी थी और उन्होंने ही मेरे काम से खुश होकर मुझे ये लड्डू भी दिया। ये क्या है? बम। इसको एक झटके में खोलोगे और ये बम का गोला फटके सबका डब्बा गोल कर देगा। अच्छा इसको निकालो। क्या कर दिया? अरे मैं अभी तो फेंक देना, अपन फटेंगे।
कटिंग ए तुम लोग कितने को लाए हो? तीन जन को। वेरी गुड, साल भर से इस तरह मेहनत करने के बाद ही मेरा सैलून तरक्की कर रहा है। जंगली की तरह बाल बढ़ाए हुए हो और कटवाने से भाग रहे हो। ऐसी सफाई करूंगा कि बंजर जमीन बना दूंगा। ए स्प्रे से सब बेहोश हुए? अरे वाह, बाप रे कितना बदसूरत इंसान है। इसकी शक्ल देखे बिना इसे टकला कर देता हूँ। बाल कटिंग का 30, टकला बनाने का 50। इसका टकला बिल्कुल तबले जैसा हो गया है। स्प्रे बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत देर तक बेहोश करके रखता है। तक दिना दिन, तक दिना दिन। क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? तिरुपति के लिए जो बाल बचाए थे तुमने उड़ा दिए। तिरुपति के लिए छोड़ो वो बाल। देखो तो हमारे यहाँ जो भी टकला होता है उसका बाल सीधे तिरुपति ही जाता है। पर कैसे? वो ऐसे। अरे वो सब तो ठीक है, पर तिरुपति में मैं क्या मुंडवाऊंगा? ओह लगता है जटा बनाने के लिए अपना बाल बढ़ा रहा था। सुन छोटू, बाल बढ़ाने वाला लड्डू लाना जरा। दे दे टकले को। मुझे तो लगा बड़ा लड्डू आ गया, ये तो कितना छोटा है। वो क्या है, लड्डू को आए हुए एक हफ्ता हो गया। जैसे बाल चिपक कर जटा हो जाता है उसी तरह ये भी चिपक कर छोटा हो गया। अरे ये क्या कर दिया? मुझे वो चिल्ला क्यों रहा है? अरे मेरे सारे बाल से पसंद नहीं आया। अरे इसे पांचवा फॉर्मूला खिलाकर मैं क्या कर दिया तुम लोग? अरे ये कैसा पांचवा फॉर्मूला? ये तो सूखा हुआ फल है। वो क्या है ना, ये बाल बढ़ाने वाला पांचवा फॉर्मूला है। रास्ते में धूप ज्यादा थी तो सूख गया, पंखे की हवा में सिकुड़ गया। चुपचाप निकल लेना, 30 लोग पहले ही खा के ऊपर जा चुके हैं। पुलिस नेक्स्ट शिफ्ट में जाकर आओ। जितने भी लंबे बाल वाले हैं उन्हें पकड़ कर लाओ। सबको टकला करना है, जल्दी जाओ 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 जाओ। नमस्ते। मेरी तरक्की से हर कोई जलता है। ये तो ऐसे घूर रहा जैसे खा ही जाएगा। मुझसे काम सीख कर आज तो मुझे ही तेवर दिखा रहा है। ए सूर्या, झाड़ू लगा रहा है कि क्या कर रहा है? सब जगह फैला रहा है। मालिक यहाँ जितनी भी सफाई करूंगा हाल यही रहेगा। और झाड़ू लगा के मैं तरक्की कैसे करूंगा? कोई पुरानी खोपड़ी दे देते तो उस्तुरा घुमा के मैं भी काम सीख लेता। पुरानी खोपड़ी? ये कोई वर्कशॉप है जहाँ ठोक पीट कर काम सीखेगा? उस्तुरा चलाना मजाक लगता है। तूने कहीं गलती की और उल्टा सीधा चला दिया ना तो गाँव वाले मेरी बारात निकाल देंगे। तो फिर बताइए मैं काम कब सीखूंगा? अच्छा वो देख, उस बलून में शेविंग क्रीम लगा हुआ है, उसे क्लीनली शेव करके बता, उसके बाद लोगों पे करना। जा कैसे रहा है मरियल की तरह? जब मैंने काम सिखाने को कहा तो किसी इंसान की सेविंग करने की बजाय मुझे एक बैलून देके कह रहा है उसका क्लीन सेव करो। आज मैं वो करके दिखाऊंगा। बलून भी मालिक की साजिश में मिला हुआ है। ए, तू अब तक 1903 बलून फोड़ चुका है। ये अगर इंसानों पे किया होता तो क्या होता? मर्डर होता। तू नहीं सुधरेगा, जा। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा। मालिक गेट बंद कर दिया है, काम शुरू करते हैं। कटिंग शेविंग कटिंग शेविंग कटिंग शेविंग सीनियर कटिंग सब कटिंग सिस्टर कटिंग जम्पर कटिंग बम्पर कटिंग सचिन कटिंग सलमान कटिंग टॉप कटिंग पॉप कटिंग इतने सारे कटिंग का स्पेशलिस्ट है ये सूर्या। जैसे कोई सिंह चना बेचता है वैसे तुम सलून की दुकान चला रहे हो। मोबाइल कटिंग है भाई, मोबाइल कटिंग। मोबाइल कटिंग? हाँ जी सर, अपना बाल कटवाने के लिए आप मुझे ढूंढते हुए आते हैं, लेकिन आज मैं खुद आया हूँ। सर ट्रैफिक में और रेलवे में भी मेरा धंधा जोरों पे चलता है, अगर ट्रेवलिंग आवर्स में आपके बाल कट जाए तो सोचिए आपका कितना टाइम बचेगा। सर फॉरन में जाकर देखिए, एक नंबर के साथ सेविंग करवाते हैं, दो नंबर के साथ बाल कटवाते हैं, तो फिर ये तरीका हम लोग क्यों नहीं फॉलो कर सकते हैं? ये आइडिया तो बढ़िया है। हाँ। पर क्या हम ये कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आप अपना सर बाहर निकालिए, बाकी काम मैं संभालूंगा। ये रहा सलमान खान कटिंग, 20 रुपए निकालो साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे बड़ू दाढ़ी इतनी बढ़ा रखी है, आसपास में बैठने वाले लोगों के नाक मुंह में नहीं घुसेगा क्या? इन मूंछों के बल पे मैं गांव की पंचायत चलाता हूँ, दाढ़ी बनाना बिना मूंछों को हाथ लगाए। थैंक यू थैंक यू, तुम्हारी दाढ़ी ऐसे बनाऊंगा कि तुम सचमुच के सरपंच लगोगे। मुँह खोलो, पी जाओ पी जाओ पी जाओ। अब आस पास के पंचायत का फैसला भी तुम्हारे पास ही आएगा। सही फैसला नहीं किए तो ये मूंछ भी नहीं बचेगी। पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो। ये लो। बढ़िया है। शेविंग कटिंग शेविंग कटिंग शेविंग कटिंग सर कटिंग नहीं नहीं सर कटिंग शेविंग नहीं सर शेविंग कटिंग कटिंग नहीं नहीं
अंकल आपका आधा सर तो मैदान बन चुका है, बच्चे चिढ़ाएंगे बंजर जमीन आया, फिर आपको बुरा नहीं लगेगा। तो क्या करूं? अरे बताता हूँ, इसके लिए इंडिया में एक प्रोडक्ट शुरू हुआ है, आप भूत दिख रहे हो इसे यूज करो, आप यूथ दिखोगे सर। ए, काम पूरा हो गया, चलो फाटक खोलो। ए, चलो खोल दो। अरे ये क्या फाटक तुम क्यों खोल रहे हो? अरे उसे बंद हमने किया तो खोलना भी हमें ही पड़ेगा ना। ट्रेन नहीं आने वाली? यहाँ ट्रेन शाम में आती है, जाने दो। अपना धंधा करने के लिए कितनी चीटिंग करता है ये। दिन रात काम करके खुद को साबित करके दुकान खोला है मैंने। ये अचानक क्या सोच रहा है? तो काम करने के लिए नहीं, बोल बच्चन देने के लिए पैदा हुआ है। हाँ मैं बोल बच्चन के लिए ही पैदा हुआ हूँ, और तू बोल बच्चन से ही बिगड़ा है, ये याद रखना। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, लेकिन मेरे दोनों सेम हैं। ए, हमारे दुकान पर दुश्मन की बुरी नजर लगी हुई है, किसी तांत्रिक के पास जाकर एक नींबू और ताबीज लेकर आ, दुकान के चारों ओर घुमा के दुश्मन के सर पर ले जाके फोड़ दे। एमएलए की दिन दहाड़े हत्या और कातिल खुलेआम घूम रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है यार। चले दो बड़ा एक चाय। दोस्त आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी प्रेमिका ने मुझे ये लेटर दिया है। मुंबई आओगे तो कहाँ ठहरोगे? और ये लेटर नहीं, मेरी जान है। ठीक है अपना नंबर दो, पढ़ता हूँ। रुको, मेरे जाने जी 2433531414। ए, मैंने नंबर लिख लिया है, इस नंबर पर फोन करके तुमसे बात कर लूंगा, हम लोग बात करते रहेंगे। अच्छा ये बताओ तुम किसी लड़की से प्यार करते हो क्या? अच्छा प्रॉब्लम क्या है पागल कहीं का? ए, मैं बॉडी सोडा के नाम से अपने एरिया में मशहूर हूँ, मेरा एक नाम और है हॉट ब्लड। तुम सिर्फ अपने दुश्मन का नाम बताओ, मैं उसे मच्छर की तरह मसल कर ऐसे फेंक दूंगा। मैंने बड़ा मसल दिया भाई, अभी तक चाय नहीं आई। अरे तू उसका नाम बोल। तुम लोगों का काम हो गया ना, अब मेरे सामने कोई रुकना नहीं चाहिए। आउट, बी केयरफुल, सिर्फ मेरे लिए। हेलो। हेलो श्रुति, इसका लुक तो कहीं और है। हाय। तरुण आज का दिन बहुत अच्छा है। मैं भी जानता हूँ। हाय, मैं आई। हाय, थैंक यू सो मच। क्यों? सही वक्त पर मदद करने के लिए। आप चाय पियेंगे? नहीं, मुझे क्लास के लिए लेट हो जाएगा। एनीवेज, नाइस टू मीट यू, आई एम श्रुति। समंदर के पानी में नहा के। ओए रंगीला, आज बड़ा खुश लग रहा है। खुश लग रहा हूँ क्या? अबे ये टूटी फूटी लेके खुश कैसे रह सकता? चल पका मत यार, मैं जा रहा हूँ। क्या एक बार पूछेगा नहीं मेरे साथ ये क्या हादसा हुआ? हाँ जल्दी बक, मैं सुन रहा हूँ। ठीक से पूछना भी नहीं आता। ए, रुक, चल अच्छे से पूछता हूँ। आप पूछ। तेरी बॉडी पर कपड़ों से ज्यादा बैंडेज क्यों है? कितनों ने मिलकर बिना साबुन के तेरी धुलाई की है? अरे तेरी बैंडेज का ठुल्लू, सीधे पूछना क्या हुआ? जल्दी बताना यार, मैं सुबह से हंसा नहीं हूँ। हंसने हंसाने के बढ़िया, मैं पिक्चर देखने गया था और उस पिक्चर में सुपरस्टार रजनीकांत सर थे, मैं उनकी तरह एक्शन वाला स्टंट करने गया तो गिर पड़ा। स्टॉप। एक बात बता, तू थिएटर में पिक्चर देखने गया था और तुझे चोट लग गई? तू पिक्चर देखने गया था स्टंट करने? अरे सुनो तो सही, मैं थिएटर में ही स्टंट कर रहा था, लेकिन मैं रजनी सर की तरह एक्शन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उनके फैंस आए और मेरी चट्टी बना दी। फिर उन्होंने मुझसे कहा रजनी सर टेरेस से कूदे, तू भी कूद जा। फिर क्या हुआ? फिर उनके सारे फैंस मिलकर मुझे पावन माले की बिल्डिंग के टेरेस पर लेकर गए और धकेल दिया। यहाँ मेरी फटी हुई है, तू बत्ती से फाड़ के हंस रहा है। वही गाड़ी है।
छोकरी भी वही है, मेकअप की बेटी भी वही है, ये सेम सीन है, मैं सपना तो नहीं देख रहा। ये क्या गिराया? हाय, हेलो। आज फिर से लेफ्ट लेके जा रही है, ये खजूर है, ये आदत से मजबूर है। ओ चल देवता, आई एम कमिंग अगेन। फिर से डूबने जा रही है ये सुरा, ये खुशी से खुदकुशी कर रही है। जा मुझे विधवा होने से बचाना, जाना। बेचारी खुदकुशी की मारी, क्या 2 रुपए गिर गए क्या? डंडा बहुत लंबा है। मैं तुझे लाइफगार्ड दिखता हूँ जो उसे बचाता हूँ। हाँ, दोस्त को मार रहा है, गलत है, ये पाप लगे तुझे। पिछली बार उसकी जान बचाई थी तो उसने मेरी इज्जत का कचरा किया था, फिर से कचरा करवाओ। नहीं बचाएगा तो फिर से मैं बचाऊंगा। जा जा, तू बचा, तू जा, तू जाके बचा उसे। ठीक है, मैं उसे बचाने जाऊंगा। तेरे को बचाना, बचा। को बचाने के लिए आना पड़ेगा। बचाने वाला जाना, उसको बचाने जाना। वो बेचारी मर जाएगी यार, वो कितनी गोरी है, समंदर के पानी में नहाएगी, वो काली हो जाएगी मेरी तरह। जाना, क्या डंडा डंडा खेल रहा है, जाना बचा, छुए बगैर बचाना। यार ये फिर से क्यों मरने जा रही है? अरे सुनो, हेलो हेलो, ए ए ए, सुनो, इस बेरहम दुनिया में नहीं रहना मुझे। बात सुनो, क्या हुआ? तुम्हारा माइकल कहीं फिर से गायब हो गया? नहीं। तो फिर क्या हुआ? मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ, पर शायद वो मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए। तो तुमने उसके सामने जाके प्यार का इजहार किया? वो तो भूली गई, अब तक नहीं किया। अरे कैसी पागल लड़की हो, जाओ जाके पहले उसे बताओ, वो मना कर दे तो जाके मर जाना। ठीक है, अभी बता देती हूँ। सुरा, आई लव यू। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? या तुम किसी और से प्यार करते हो? मैडम, कहीं तुम मेरी फिरकी लेने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? मुझसे सिर्फ 2 बार मिली हो और कहती मुझसे प्यार हो गया। कैसे समझाऊं? मैं अपने हस्बैंड में जो गुण देखना चाहती हूँ वो सारे गुण हैं तुम में। तुम्हें देख के मुझे उस छोटी बच्ची की याद आ गई जो आइसक्रीम की जिद करती है। तुम जानती नहीं हो कि मैं समझ गई। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक अमीर लड़की हूँ और तुम एक मच्छी वाले। नहीं नहीं, फिर क्या बात है? ओ, मेरे पापा की टेंशन है कि वो मानेंगे नहीं। उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है, पापा इज अ डमी पीस। मेरी मर्जी के खिलाफ वो कभी जाएंगे ही नहीं। देखो मैडम, असली प्रॉब्लम तुम्हें बताऊंगा ना तब भी तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए जाओ, जाओ घर जाओ। लड़की को लेके लड़का किधर गया? समंदर पार करके झिंगा लुलू तो नहीं गया? और अकेला क्यों गया? रंगीला, हीरोइन इधर है तो हीरो किधर है? मुझे तुमसे एक डील करनी है। कैसी डील? मेरे दिल में जो भी था वो मैंने तुम्हारे दोस्त से कह दिया। तो मैं क्या आचार डालूं? डाल लेना, पहले एक पता नोट करो। है? पता मतलब? नंबर 15, 9th क्रॉस स्ट्रीट, राजा रानी चौक। लेकिन ये पता किसका है? मेरे घर का एड्रेस है। आज आधी रात से पहले अगर तुम्हारे दोस्त ने मुझे आई लव यू नहीं कहा है? तो फिर मैं वो करूँगी जिसमें मैं बचपन से ही चैंपियन हूँ। खो खो या कबड्डी में? पानी में डूबकर जान देने की कोशिश से बोर हो गई हूँ मैं। इस बार मैं घर में सुसाइड करूंगी। सुसाइड करो, रॉन्ग साइड करो, लेकिन यहाँ समंदर में आके जो करके मरने का नाटक करती हो उसकी वजह तो बता। वजह है। कौन सी वजह है? अपने मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ूंगी जिसमें लिखूंगी कि मेरे मरने की असली वजह तुम हो। ये एक दुंगा लगा के सब कुछ सुरा की वजह से हुआ है। चिट्ठी में सुरा का नाम लिखो, मुझे क्यों घसीट रही हो? उसको क्यों फंसाओ? इस मैटर के लिए तुमसे अच्छा बकरा और क्या मिलेगा? मुझे फंसाओगी? कान खोलकर सुन लो, मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो मैं समंदर में जाके डूब जाऊंगा, सच्ची बोल रहा हूँ। कितना बोलते हो। हम दोनों को मिलवाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है, नहीं तो मैं ऊपर जाऊंगी और तुम जेल में। चिट्ठी वो भी मेरे नाम की? किसी और का कसूर हो तो भी पुलिस मुझे धोबी पछाड़ मारती है, ये तो मरने वाली चिट्ठी लिख रही है। कहाँ फंस गया रंगीला? ये मुसीबत तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं? ए सुरा, किधर है सुरा? इधर तो इंसान से ज्यादा कुत्ते हैं, घर है या चिड़ियाघर? ये चिड़ियाघर है? कुछ भी बकवास करता है, सिक्योरिटी है, चलो बस। चलना, अब यहाँ तक आ गए हैं तो अंदर भी जाते हैं, मरती हुई लड़की को बचाते हैं ना यार।
उससे पहले ये लोग हमें मार डालेंगे। चल मैं तुझे अंदर ले जाने की सेटिंग करता हूँ, भरोसा रख यार। भरोसा और तुझ पर? हाँ भरोसा नहीं तो समोसा रख, कुछ तो रख यार। चल चल मेरे साथ। तू मुझे साथ लेकर जा रहा है या खुद भाग रहा है? भागता तो मिलखा है, मैं क्यों भागूंगा। चल 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 मैं अंदर, आगे चलना। आह बांस की सीढ़ी, बांस से किस्मत की सारी बांस दूर हो जाती है, अपना काम हो जाएगा। जा चढ़ जा। नहीं लाइक बात। हाँ बोलना। थूकना है क्या? मुझे तुझ पे बहुत फख्र है यार। लेकिन क्यों है? एक लड़की की जान बचाने के लिए तू अपनी जान पर खेल रहा है। आज पहली बार तू अपने दोस्त को समझ पाया। जा जा चढ़ जा, जा उसकी जान बचा दे। जा चढ़ना। क्या हुआ, क्यों उतर गया? मुझे तुझ पर बहुत गर्व है यार। एक लड़की की जान बचाने के लिए। थैंक यू, जाना चढ़ना, उसकी जान बचा यार, टाइम कम है। सही कह रहा है। हाँ जा जा चढ़ जा। अब क्या हुआ यार, मुझे तुझ पर फक्र, फक्र मत कर, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। तो फक्र मत कर, ऊपर जा। यार मुझे, हाँ मुझे पता है मुझ पे फक्र हो रहा है। जा 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 जा। अच्छा दिखती कैसी है? सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल आपकी तरह। और उसकी आंखें? एक गहरी झील की तरह, बिल्कुल आप जैसी। हाय। उसका अच्छा तुमने तो धमकी दी थी कि अगर आधी रात से पहले मैं यहाँ नहीं आया तो तुम खुदकुशी कर लोगी, और तुम तो यहाँ बैठ के टीवी देख रही हो। और बालों का रंग? ऐसा नहीं है, खुदकुशी करने की सारी तैयारी कर ली है मैंने। कुछ कुछ देखो तो, मेकअप भी कर लिया है। तुम्हारे पास यहाँ पर रस्सी, चाकू, जहर और ये गोलियां रखी हुई है, लेकिन इस कप में क्या रखा हुआ है? शक्कर। वो क्या है ना, बचपन से ही मुझे दवाई खाने से पहले थोड़ी सी शक्कर खाने की आदत है। पहले शक्कर खा लूं तो दवाई कड़वी नहीं लगती, समझे? इतना ही नहीं, खुदकुशी करने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है ये जानने के लिए मैंने नई पुरानी सारी फिल्में देख ली। तो फिर इतनी देर क्यों रुकी, कर लेती खुदकुशी? करने ही वाली थी कि उसी वक्त मेरी एक फ्रेंड का फोन आ गया। मैंने उसे मेरी प्रॉब्लम बताई। पता है वो क्या बोली? कि आजकल लड़के ना पहले जैसे नहीं रहे, प्यार में थोड़ी रिस्क तो लेनी पड़ती है। उसकी बात भी सही है, आजकल अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं। फिर तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के के लिए अगर मुझे थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़े तो इट्स ओके। सो सुसाइड का आइडिया मैंने कैंसिल कर दिया, और प्यार की मालगाड़ी को आगे कैसे बढ़ाऊं ये सोच रही हूँ। और ये मेरा माइकल, मेरे बिना ये कैसे जिएगा, इसीलिए इसके लिए भी सेम प्लान। मेरे होते हुए माइकल कैसे मरेगा? बाय बाय, टेक केयर, टाटा टाटा। क्या हुआ? रंगीला मेरे साथ आया था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया होगा वो? ये कैसी आवाज थी? मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब मिल गया, देखता हूँ क्या हुआ है। मैं सब हैंडल कर लूंगा, तुम जाओ जाके मेरे सपनों में खो जाओ। बाय। नहीं चढ़ता हूँ मैं, वो तो मत मारो बेचारे को, क्यों मार रहे हैं आप लोग? तू यहाँ क्या कर रहा है? ये अपना रंगीला है साहब। रंगीला हूँ। इतनी रात गए यहाँ पे सीढ़ी लगा के क्या कर रहा है ये? हम लोग छत पे पेंट कर रहे थे तो सीढ़ी यही छूट गई। सही कह रहा है। कब से पेंटिंग करने लग गया तू? तो मछली पकड़ता है ना? ये तो अपना साइड बिजनेस है साहब। ठीक है ठीक है, पहले सीढ़ी को साइड में हटा, निकलो यहाँ से। अगली बार देखा तो टांगे तोड़ूंगा, समझ गया? ठीक है साहब। अबे चुड़ैल आवे के उसकी मम्मी आवे, मुझे कोई देख नहीं पाएगा। मैडम के डिनर होने तक ऐसे ही घूमूंगा।
कहाँ थे, कौन थे, क्या थे? मैडम आप कहाँ हैं? है? यहाँ हूँ मैं। वाह क्या बात है, अभी मूड ठीक है, इसका मतलब मैडम मैडम ही है और कोई नहीं है। यह पट्टा ही ठीक है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ए मैडम आप हमेशा कमरे में बैठे रहती है, बाहर आइए ना। मैडम खाना खाइए। मुझे नहीं खाना। इस बार आवाज बाहर से आई। आप दिखाई क्यों नहीं दे रही है मैडम? कहाँ है आप? आप दिखाई नहीं दे रही है मैडम, कहाँ है? मैं यहीं पर हूँ। आप मेरे साथ छुपा छुपी का खेल खेल रही है ना? मैंने पट्टा बांधा है तो आप लुका छुपी खेल रही है? मैडम मेरी बात सुनिए, देखो मैं आपको पकड़ लूंगा ना, उसके बाद आप पे डाइव, आप डाइव लेगी। मम्मी मरी गयो। तेरी शकल देख के मुझे अफ्रीका की गोरिल्ला की याद आ गई। माता जी जब मैं सीढ़ियों से गिरा तो सिर्फ मेरी गर्दन टूटी थी, लेकिन इन्होंने एम्बुलेंस में डेड बॉडी की तरह पटका और स्पीड ब्रेकर से लगा बॉडी को झटका। गर्दन के साथ बाकी जो हड्डी बची थी उसमें भी फ्रैक्चर हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर गया हूँ। एम्बुलेंस की मिमिक्री अच्छी करता है तू। करेक्ट। क्या हुआ मम्मी? मने नथी खबर, मुझे लगा था ये टपक जाएगा और हम आजाद हो जाएंगे इससे। आंखों पे पट्टी बांध के छुपा छुपी खेलना जरूरी था, सीढ़ियों से गिर गया ना। मैं अपने आप नहीं गिरा, मेरा शर्ट किसी ने पकड़ा और उठा कर फेंक दिया। किसी ने फेंक दिया, लेकिन किसने? सर कमनियर। टूटक टूटक टूटिया, मैं अभी भी दोनों पनौती है, दोनों मेरी हड्डी तोड़ते रहते हैं। सर आप जिसे ढूंढने कहीं और गए थे ना, वो इसी शहर में है, किसी पब्लिक पार्क में नहीं है, आप ही ने घर में आत्मा पार्क कर रखी है। इसी शहर से क्या मतलब, और बार बार आत्मा के बारे में क्या बोल? मॉम सिर पर चोट लगने से ही पागल हो गया। करेक्ट है, पागल बोला? इसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देते ना शिवा। मॉम वो मैं केस से सीधा यहाँ आ गया, सत्या घर पर अकेली होगी, मैं जाकर उससे मिलता हूँ। एक काम करना, जैसे इसे डॉक्टर डिस्चार्ज करें इसके बिल सेटल करके इसे घर लेकर आना। तू मेरे को इस पागल के पास अकेला छोड़ के जा रहा है। ओम नमः शिवाय मम्मी। ओम नमः शिवाय। चिंता मत कर, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। हो आहा, आपकी बात सुनकर लीवर को सुकून, किडनी को आराम मिल गया है। अभी हॉस्पिटल में है ना तो तेरा दिमाग भी ठीक कर देती हूँ। माता जी माता जी माता जी, वो माइक्रो ओवन नहीं है, धड़कन नापने की मशीन है। अगर लाइन ऊपर नीचे होने के बजाय सीधी हो गई ना तो मैं हमेशा के लिए लंबा हो जाऊंगा। मर गया। ये क्या हो रहा है? हाँ? क्या बात है, मुझे देखते ही सबके सब भाग रहे हैं और ये यहाँ खड़ा होकर क्या देख रहा है? मम्मी मम्मी क्यों बे? जब पड़ोस की औरत एक्सरसाइज कर रही है उसे छुपकर देखने के साथ साथ गंदे और अश्लील गाने भी गाता है तू, कमीने। सर लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। सर आप शायद मुझे ठीक से पहचानते नहीं, जानते हैं मैं कौन हूँ? कौन है? मैं उसके हस्बैंड हूँ सर। उसके हस्बैंड? सर फिर तू झूठ बोल रहा है। क्यों रहे? आप मेरी बात का यकीन कीजिए, वो रहा मेरी शादी का फोटो, अपनी आंखों से देख लीजिए सर। हाँ तू सच कह रहा है, राम बनाए जोड़ी है सर, एक अंधा एक कोड़ी है सर। अच्छा ये बता, तेरी बीवी को एक्सरसाइज करवा कर कुश्ती लड़वाना चाहता है क्या? क्या कह रहे सर, नजदीक से देख के मैं बोर हो गया हूँ, इसलिए उसे दूर दूर से देख के मन में एक नई उमंग जाग रही थी, इतने में आप आ गए सर। मैं तो बोल रहा है। अरे मैं सच कह रहा हूँ सर, आप खुद चल के देखिए। अरे मैं नहीं आ रहा सर, अपनी बीवी को देखना कोई गुनाह है क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आइए देखिए, वहाँ वो दिख रही है आपको? हाँ दिख तो रही है, क्या लग रही है? अब यहाँ से देख लिया, अब उस एंगल से देखिए, वाइड एंगल। सर थोड़ा उठा कर देखो, सर थोड़ा झुका कर देखो, शानदार नजारा है ना। अब एक काम करो, अपनी दूरबीन लगा के देखो ऐसे।
क्या दिख रहा है? बहुत शानदार है ना, है ना, है ना सर। जिंदगी में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, कभी कभार मिलता है। बेकार में आप मुझ पे शक कर रहे थे। कर दो। क्या हुआ सर? इरादा क्या है तुम्हारा? नहीं सर, को थोड़ा मुझ पे शक हो रहा था, इसलिए मैं उनका डाउट क्लियर कर रहा था। डाउट क्लियर करने के लिए तुम कोई आईजी हो क्या? ऐसी बात नहीं है। आओ अंदर आओ। ठीक है, तुम्हारी सारी डाउट क्लियर करती हूँ। बिल्कुल ठीक। एक मिनट रुको, सुनिए। क्या है? मैं खुश था, आपने आकर मेरा पूरा मजा किरकिरा कर दिया, अब इसे मुझे झेलना पड़ेगा। अब तो जाओ। ये जा ही नहीं रहा है, यार की बात ही नहीं समझता है। पुलिस वाला भी तुम्हें देखकर जम ही गया। पति होकर सबके सामने मेरी नुमाइश करवाते हो? गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था। झूठ। कलेक्शन कहाँ है? कहाँ गया वो? यहाँ, ये ले। कितना है? 500 रुपया है। सिर्फ 500 रुपए? रोजाना 1000 रुपए की बात हुई थी, इसलिए मैंने शादी की थी तुमसे। अरे बाप रे, शर्म कर, शर्म कर। इस 500 रुपया के लिए मुझे कितनों को टकला करना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद गांव में किसी के पास बाल नहीं बचेगा। सर का बाल कोई घास नहीं है जो पानी पड़ते ही उग जाएगा। 2-3 महीने के बाद थोड़े बहुत बाल बढ़े तो वो लोग कटवाने के लिए आएंगे। फिर भी तुझे 1000 रुपए चाहिए तो मुझे गाँव की लड़कियों के भी बाल काटने पड़ेंगे। मैं वो कुछ नहीं जानती। रोज 1000 रुपए लाओगे तो घर के अंदर वरना बाहर। घर से बाहर बंद करो। आपका ये कड़क यूनिफॉर्म देखकर मुझे जलन होती है। आपने मुझे ये पहनने नहीं दिया, कम से कम इसे कड़क तो करने दीजिए बॉस। नको रे। बॉस जाकर अपने सारे डिपार्टमेंट धो लो, उसके बाद तू अपना रिश्ता चल वट अपना काम कर। वही तो कर रहा हूँ। चल गुलाटी मार। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। रुमाली पैंट उछालने की बहुत प्रैक्टिस है, लेकिन ये इंटरनेशनल बॉन्ड मुझ जैसे देसी को इंडियन बॉन्ड बनने नहीं देगा। बहुत चमचागिरी करनी पड़ेगी। ये कौन सा है? कहीं कुछ जल तो नहीं रहा? ये क्या कर रहे हो? बड़े हो गए पर बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो। मैं क्या झगड़ा कर रहा हूँ? मैं तो आराम से सो रहा था, इन्होंने गरम गरम मेरे पिछवाड़े में लगा दिया। अब देखिए सही बदल गया है। तेरा पिछवाड़ा जलाया तो दिखा रहा है, उधर जला था तो वो भी दिखा था। दिखाने से दर्द कम होता है, इसलिए तो दिखा रहा हूँ। अगर तुम लोगों को नहीं देखना है तो अपनी अपनी आंखें बंद कर लो और इनसे कहो कि अगली बार होटल से तंदूर मंगाए मुझे न सेके। अच्छा तो तूने कुछ नहीं किया? हाँ। तूने कहाँ उंगली किया? तुझे बताऊँ? बताऊँ क्या किया मैंने? इसकी ऐसी हालत किसने? क्या किसने किया बता। इसको पहन के मैं बॉडी को गार्ड कर सकता हूँ? अरे इस बैंड का अंडरवेयर बना लेता, कम से कम कुछ छुपाने के तो काम आता। हाँ बॉस सही कहा। बताओ किस इडियट ने रोटी पे तवा सेका है, यानी तवे पे रोटी। अबे तूने और किसने? नहीं नहीं, मैं तो स्टोनिंग करके ड्रीमिंग कर रहा था। यही है कुत्ते का बच्चा। देखिए बॉस, अगर आप मुझे इंडियन जेम्स बॉन्ड नहीं बनाना चाहते तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इन सब के सामने मुझे गाली दी ना तो मैं अपने आप को उंगली भर पानी में डुबा के मर जाऊंगा। सोते समय तुझे क्या क्या करने की बीमारियां बताओ तुझे। बस बहुत हो गया, इस बेकार से पैंट के लिए इतना हल्ला। पर मैं कॉलेज में कल क्या पहन के जाऊंगा? लो ये कोई बात हुई, और कोई पैंट नहीं है क्या? पर ये तो मेरी यूनिफॉर्म थी ना। स्कूल के छोटे से बच्चे हो क्या जो यूनिफॉर्म पहनोगे? आप सही कह रही हैं, कॉलेज में भी यूनिफॉर्म पहन के जाओगे क्या? अब तो ढंग के कपड़े पहनो ताकि ये रगड़ा रगड़ी की आदत चली जाए। बी अलर्ट ऑफिसर। तूने फिर अपना शटर। अब लाइट ऑफ करके सो जाओ, चलो। अब क्या ढूंढ रहा है? यहाँ पर एक और स्त्री होनी चाहिए। एक और स्त्री होनी चाहिए? हाँ, इसे देखिए, इसमें दो बड़े छेद हैं, लेकिन सिर्फ एक स्त्री, यानी ये कांड दो स्त्रियों से किया गया, दूसरी स्त्री यहीं कहीं होगी। तेरे पिछवाड़े में दो दो बनाऊं? ये कौन सी भाषा है?
अरे एक मिनट रुक जाइए बॉस। देखिए आपने अभी तक मेरा बैकग्राउंड खराब किया है, आगे क्या क्या खराब करना है उसका परमिशन तो ले लीजिए। जूनियर ऑफिसर तो मैं हूँ, और कितना नीचे जाएंगे सर? अरे बॉस ने मुझे अंदर सोने नहीं दिया, तू मुझे यहाँ तो चैन से सोने दे। मीरा दीदी, मधु दीदी, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़ेगी क्या? ऐसा क्या हो गया? इधर आओ जल्दी। क्या हो गया ऐसे? दीदार कर लो। पूरी रात टेलर को सोने नहीं दिया और कहता है कि ड्रेस ढीला है, ढीली तो उसकी हालत है। ये यूनिफॉर्म कहाँ से मिली? कहाँ से उठा के लाए इसे? रात भर टेलर को लेफ्ट राइट करा के ये ड्रेस सिलवाया है। कितने डायलॉग बोलेगा, अभी तक तैयार नहीं हुए। मधु फास्ट फास्ट हरी अप, अंदर जाके तैयार हो जाओ। अरे काय का हरी अप, तुम तो जंगल से हल्की होके आ गई, अब तो मुझे जंगल जाके हल्का होना बाकी है ना। ओहो कितना डायलॉग मारोगे, सुना नहीं? हरी अप। अरे काय का हरी अप। ओहो जो करना है जल्दी करो। अरे लगी नहीं है तो कैसे करूं? जब तक नहीं लगेगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। अब तुम जल्दी जाओ, बाल्टी लेके आओ जल्दी, मुझे लगने दो। कितना डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, हर कोई सामने आ जाता है। अरे तूने इस महान स्वामी को पहाड़ स्वामी बना दिया है, गधे कहीं के। चलो बाद में आते हैं। ज्योति हाँ क्या हुआ? तू जाके मेन स्विच ऑफ कर दे। वो किस लिए? सांजा मांजा आंजा कांजा चाचा चाचा। देख लिया क्या? जो बोला है वो करना। हे भगवान। हे ज्योति, जब मैं सीटी मारूंगी ना तब तू ऑन कर देना, समझे क्या? बाबा जा। यस। क्यों भाई, स्टीम बात ले रहे थे क्या? तुम करेक्ट टाइम पे दरवाजा खोला है। भाई ये सब क्या देख रहे हो? मैं साबुन लाना भूल गया, जाओ साबुन लेकर आओ। साबुन मांग रहा है मुझसे, साबुन मांग रहा है, आज मैं देता हूँ तेरे को एक जोरदार झटका। अब देख तुझे कैसे मजा चखाती हूँ। जी क्या मैं ना सर, रुको इतनी जल्दी क्या? मैं दरवाजा तो बंद कर लूं, इतनी जल्दी है क्या? ठीक है मैं आता हूँ। तो वहां पर गाली में गाली दी जा रही थी और यहाँ पर इस तरह से प्यार से बुला रही हो, कितनी घाई लगी है इस लड़की को। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड दिस गर्ल्स। अरे बाबू, अरे बाबू, ये तो कोई गुड्डी की आवाज लग रही है। देखो यहाँ खड़े होकर चुम्मा चाटी कर रहा है बेशर्म कहीं का। अरे भाई थोड़ा सा उठोगे? कहाँ भाई? नीचे आओ और बेड को देखो। भाई
आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? खेल खेल रहा हूँ। उठ चले, उठ। अच्छा भैया ठीक है। अरे माँ, अरे बाप रे, ए माँ। आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे एक आदमी के साथ इतना कैसे? अरे अरे ये सब होना भी बाकी था। एक बात पूछूं मोटा भाई, रस्सी की बजाय तार से क्यों बांधा है मुझे? अगर पावर चालू हो गया ना तो बॉडी में भूकंप के झटके लगेंगे। ऐसे थोड़ी होता है, मैं सस्ता मोबाइल थोड़ी हूं जो आप मुझे चार्ज कर रहे हैं। घर जाने दीजिए ना। क्या तुम वही आदमी हो जो मुर्गा बनकर शहर में आतंक फैलाता है? जवाब क्यों नहीं देते? अभी तो बोल रहे थे चुप रहो, अभी बोलने के लिए बोल रहे हैं। बोलूं या चुप रहूं? आप बोल सकते हो। सांभलो सर, किसी उल्लू के पट्टे ने मुझे मुर्गा बनने का वाहियात आइडिया दिया। मुर्गे का ड्रेस सिलवाने के लिए अबुल हसन दर्जी के पास गया था और वहां पे भी उधारी चालू है। अगर सही जवाब नहीं दिया तो ऊपर खाता खुलवा दूंगा। सर आपको जरूर कोई गलत फैमिली हो रही है। चाहो तो आप मुझे लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से चेक कर लो, मेरी पूरी बॉडी चेक कर लो, मुर्गे का एक लक्षण भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं पैदाइशी गधेड़ा हूँ सर। लगता है तू ऐसे सच नहीं उगलेगा। सर इस मासूम को परेशान मत करो, कांडा स्वामी आपको छोड़ेगा नहीं। ले जाओ इसे। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? उसके हाथ में इतना लंबा क्या है? चुप कर गंदा आदमी। जल्दी से पानी चालू कर। अबे तूने ही अपने तालाब चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई थी ना? अरे उसे ढूंढते ढूंढते तो मैं पागल हो गया, मेरा डिमोशन हो गया, इंस्पेक्टर से सीधे हवलदार हो गया, यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब क्या किसी ने तेरा खेत चुरा लिया या पूरा का पूरा गांव चुरा लिया? मैंने मजाक किया था भाई, अभी कॉमेडी दिखाता हूँ, तालाब के साथ तुझे भी गायब कर देता हूँ। कहाँ चला गया? कहाँ गायब हो गया? कहाँ गया? पता नहीं। सर ये तो आराम से बैठ कर नहा रहा है। पब्लिक बाथरूम समझा? आखिरी बार 2012 में नहाया था। इतने गंदे हो गए। पानी का फोर्स डबल कर दो। सर ये तो सजा का मजा ले रहा है। पानी पानी। अरे यार बंद क्यों किया? पानी डालो। अभी तो पानी में मजा आना शुरू हुआ था। यहाँ रेन डांस करवाने बैठे हैं। मैं पानी में सुसु करने वाला था, पानी रोक दिया तो पता चल जाएगा ना। बाथरूम के साथ टॉयलेट भी बना दिया है सर। अरे यार छी, ये कंट्रोल नहीं होता। पानी के बजाय इस गधे पर डंडे की बरसात करो। अब यहाँ कल शाम से थोड़ा दुख रहा है, इधर नाश्ते में ढोकला कम खाया क्या? जोर से मारने। बस 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 बस, बदन पे पानी डाल, पानी डाल। कीप गोइंग बेबी। जाकुजी जाकुजी, यम यम। ये आ क्या कर रहा है? ये डंडा हटा। यहाँ सुसु क्यों किया? 6 साल पहले की बात है, पेट के अंदर पथरी का पहाड़ बन गया था। सारे डॉक्टर हकीमों ने कहा कि ये पहाड़ हम नहीं तोड़ पाएंगे। बंगाली चूरन भी खाया पर आज 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये डंडा इसने यहाँ दबाया और पथरी पिघल के सुसु में निकल गई। सर इसने पुलिस स्टेशन को सरकारी डिस्पेंसरी बना दिया है। इससे पहले कि मेरा बीपी बढ़े, एक सेकंड में दफा हो जा। पहले समझाया तो समझे नहीं, बोला था गलत फैमिली हो रही है। एक सेकंड, फिर से बीमार पड़ा तो इसी डिस्पेंसरी में आऊंगा। और हाँ, पुलिस स्टेशन का हॉस्पिटल बनवा दो, ऊपर की कमाई भी हो जाएगी। ए, जा रहा है कि लात मार के निकालो। ठीक है जाता हूं, कपड़े पहन लेता हूँ। जल्दी जल्दी, गीले कपड़े घर जाके सुखा दूंगा। सॉरी जले हुए आलू। सॉरी।